क्या कहा डॉक्टर ने? मामा, डॉक्टर कह रही हैं कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह कोई खुशी की खबर ही देना। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती थी। देखें, हमने बहुत मुश्किल से माँ की जान बचाई है और हमारी नजर में पहले तरजीह माँ की जान बचाना था और यकीनन आपके लिए भी यही होगा। लिहाजा आपकी वाइफ की जान तो बच गई है, मगर आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, नौशीन की तबीयत कैसी है? क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? जी, आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। भाभी, हम सब आपके साथ। मैं जानती हूँ हाल, मगर इस तकलीफ को भूलना आसान नहीं है। भाभी, वक्त हर जख्म को भर देता है। नहीं यार, माँ की को गुजर जाने का दुख बढ़ते दम तक रहता है उसके साथ। जी भाभी, तुमने ईमान का पता किया कि वो किस हाल में मां बन रही है? भाभी, मैंने आपको कहा भी था कि उसका जिक्र आप मुझसे दोबारा नहीं करेंगी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मेरी बात नहीं हुई उससे। तुम जानते हो आरिफ, हमने उसके साथ ज्यादती का खमियाजा भुगता है। क्या मतलब भाभी? मुझे लगता है वो लड़की मासूम है। तुमने उसके साथ ज्यादती की और मैं इस ज्यादती में खामोश रहकर बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ने मुझे उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी है। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका वहम है। बुरा हमने नहीं, उसने किया हमारे साथ। मैं एक औरत हूँ हारिब, और एक औरत ही दूसरी औरत की आंखों में सच्चाई को पढ़ सकती है। मैंने उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। न जाने तुम्हें ऐसी क्या गलत फहमी हो गई है। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, अपना दिल साफ करो और उसके पास वापस चले जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। बड़ी भी अब तक सो रही हैं आप? इतनी सारी बातें करनी है आपसे। एक तो ना, आपको आराम करने की आदत हो गई, सारा काम मैं जो कर लेती हूँ। बड़ी भी आंखें खोले, बड़ी भी आंखें खोले। क्या हुआ आपको? आगे खोल, नहीं
पढ़ी मेरी बात सुने, बड़ी में चाय लेके आई ना आपके लिए उठे, बड़ी में क्या हो गया आपको, आगे बोले बड़ी में, मैं आ रही हूँ बड़ी में, मैं आ रही हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आ रही हूँ। बेटा बेटा इनको फौत हुए हुए 8 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके इनके तदफीन का बंदोबस्त करें आप लोग। नहीं 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 आपको गलतफहमी होगी, कल तक बिल्कुल ठीक थी, कल तक बिल्कुल ठीक, आप चेक तो करके देखें क्या हो गया आपको। मेरा तो मशवरा यह है कि इनकी फौरन तदफीन की जाए, मैयत को ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है, बाकी आप लोग की मर्जी। आपका मेरा बस दुनिया में कोई नहीं है, यकीन करें मैं कहाँ जाऊंगी, बड़ी भी उठ जाए आपने मुझे कहा मुझे कभी छोड़ ही नहीं जाएगी ना, बड़ी भी प्लीज उठ जाए ना, बड़ी भी मेरा कोई नहीं है दुनिया में आपके अलावा, बड़ी भी आप जानती ना सब मुझे छोड़ के चले गए, बड़ी भी आपने पता क्या था आप कभी नहीं जाएगी ना, बड़ी भी प्लीज उठ जाए, उठाए ना डॉक्टर प्लीज, बड़ी भी थैंक यू। अब आपने कल ऑफिस से जल्दी आना है, हम साथ जाएंगे एग्जीबिशन पे। नहीं फौजिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम चली जाओ। मैं क्यों अकेली चली जाऊं, वहां सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं, आप भी चलेंगे मेरे साथ, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमीन कल तक ठीक हो जाएगी, मुझे नहीं पता आप चल रहे हैं मेरे साथ। देखो फौजिया जिद मत करो, वैसे भी इन दिनों में बहुत अपसेट हूँ, मुझे तनहा छोड़ दो। क्यों क्या हुआ, कोई बिजनेस की टेंशन है? नहीं अल्लाह का शुक्र है बिजनेस का कोई इशू नहीं है, कल मैंने ईमान को ख्वाब में देखा था, बहुत रो रही थी, मुझे पुकार रही थी। तो अमीन आप और आपके ख्वाब छोड़े, फजूल का स्ट्रेस मत लें, रिलैक्स रहें। ये फजूल का स्ट्रेस नहीं है फौजिया, कुछ तो है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। तो अमीन आप सोचते बहुत हैं, ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, रिलैक्स रहें। मुझे यकीन है ईमान इस वक्त अपनी जिंदगी में मगन और खुश होगी, आप रिलैक्स रहें, इन बातों की टेंशन मत लें, बल्कि अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी पढ़ाई पर भी नजर रखा करें ना, हर चीज मुझे ही देखनी पड़ती है। बानो आंटी ईमान बेटा तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? और आंटी मुझे बहुत तकलीफ हो रही। अच्छा आओ अंदर आओ। शाबाश। आराम से, मेरा ख्याल है मैं अस्पताल चलना चाहिए, तकलीफ हो रही है। मगर क्या बेटा? आंटी पैसों का बंदोबस्त तो होने दे, मैंने मैडम से उनको फोन किया था लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा उनसे, शायद वो मुल्क से बाहर गई हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो, अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे तो मेरे पास भी हैं आंटी। हाँ मेरे पास ना एक चेन है, वो आप कल भेज दीजिएगा ठीक है? वो जो तुम्हें हारिब ने दी थी बेटा, वो तो तुम्हारे शौहर की निशानी है। शौहर? आंटी जब शौहर ही नहीं रहा तो उसकी निशानी कैसी है? आप प्लीज उसे कल भेज दीजिएगा, मैं उसे पहनती हूँ ना, मुझे वो गले में फंदे की तरह महसूस होती है,
उसे घर भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा तुम अपना ख्याल करो, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करती हूँ। क्या मेरी बच्चे की किस्मत ही मेरी जैसी होगी, ना बाप का साया ना कोई सहारा। सहारा तो सिर्फ रब की जात का होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी बेटी अता की है तुम्हें अल्लाह ने, बिल्कुल तुम पर गई है। चलो हमारे घर भी रौनक आई। नाम क्या सोचा तुमने इसका? और उसका नाम हम रखेंगे हया। ठीक है, और अगर बेटा हुआ तो? अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे अर्श। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे ट्विन्स हो, ताकि हम दोनों नाम रख सकें। अरे बाप भी ना, अब इसका फैसला तो अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। बेशक। तो फिर क्या नाम रखें सन्नी परी का? हया। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। मैंने नहीं सोचा ये नाम बानो आंटी, ये नाम हारिब को बहुत पसंद था। अच्छा किया बेटा, हया बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। एक बात कहूँ ईमान? जी। अब जब नाम तुमने हारिब की पसंद का रख लिया है, तो एक बार अपनी अना को एक तरफ करो और उसे फोन करके इतला दे दो कि उसकी बेटी हुई है। नहीं मानो आंटी, मैं उन्हें क्यों इतला दूं? क्या वो ये बात नहीं जानते? उन्हें कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उन्होंने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो बेटा मेरे नंबर से फोन कर लो। नहीं आंटी, मैं उन्हें कोई फोन नहीं करूंगी। देखो बेटा, एक बार मेरे कहने पर हारिब को इतला दे दो, ताकि कल को कोई पछतावा ना रहे कि तुमने उससे कोई रابطہ नहीं किया था। हो सकता है ये खबर सुनकर उसका दिल मोहम हो जाए और वो वापस लौट आए। औलाद बहुत बड़ी कमजोरी होती है इंसान की, वो यकीनन बेटी की पैदाइश का सुन के जरूर आएगा। ईमान, मेरे कहने पर एक बार बेटा एक बार कॉल कर लो। हेलो हेलो हारी बेटा, कैसे हो? मैं बानो आंटी बात कर रही हूँ। जी आंटी बोलिए, कैसे फोन किया आप? बेटा तुमने तो पलटकर ईमान का पूछा ही नहीं कि वो किस हाल में। आखिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में कि तुमने इससे रब्ता ही खत्म कर दिया? बीवी है वो तुम्हारी बेटा? वो अब मेरी बीवी नहीं है। तुम ऐसे ईमान को खुद से अलग नहीं कर सकते हारिब। आंटी नहायत अदब और माजरत के साथ, आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। और अगर ये फोन आपसे ईमान ने करवाया है ना, तो आप उसे बता दें कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम बेशक मुझसे बात ना करो, लेकिन इतना सुन लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात खत्म कर दो बेटा। वो मेरी बेटी नहीं है। I'm sorry. बस हो गई तसल्ली आपको? उम्मीद करती हूँ आंटी, क्या आइंदा आप इन्हें कॉल करके अपनी और मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे।
अमान, अब तो मुझसे मार खा कर ही बाज आओगी। बट हर वक्त की नाउम्मीदी रोना धोना अल्लाह को पसंद नहीं है। मानो आंटी मैं क्या करूं, मैं जब भी अपने हालात और हया को देखती हूँ तो तुम्हारा कमजोर पड़ जाती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन हालात से गुजरूंगी। मुझे हालत ने किस मुश्किल में डाल दिया मानो आंटी। तुम जैसी हुनरमंद और मजबूत लड़की के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, बस तुम दो चार दिन आराम करके अपनी रूटीन की जिंदगी और जॉब की तरफ वापस आओ। हया को मैं संभाल लिया करूंगी, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। मुझे कभी कभी क्या लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आपको फरिश्ते के रूप में भेजा। बड़ी भी बिल्कुल ठीक कहती थी, जब हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगा लेते हैं तो वो इंसान को अपने होने का एहसास जरूर दिलाता है और उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम खुद बहुत मासूम और अच्छी हो बेटा, ये सब वक्ती आजमाइश है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। सुमामी चलो उठो, शाबाश आया का दूध गर्म करो, उठो शाबाश आओ। ईमान कौन है? तुम्हारी वही यूनिवर्सिटी फ्रेंड ना जो तुम्हें लेट नाइट नोट्स के बहाने कॉल किया करती थी, राइट? हाँ, ईमान और मैं यूनिवर्सिटी फेलोज थे और अच्छे दोस्त थे, बस सिर्फ दोस्त। आर यू श्योर? हाँ यार, और तुम्हें ये कहां से मिले? कहीं से भी मिले, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। Come on, अंबर, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो। और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पास्ट इस... इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लो और मुझसे झूठ बोलो। प्लीज अंबर, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और मैं अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं रहा, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और तुम्हें मुझसे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा पास्ट भी। तुम हर बात पे इतना पर्सनल क्यों हो जाती हो? नॉर्मल क्यों नहीं लेती कुछ बातों को? नॉर्मल? ये नॉर्मल नहीं है मिस्टर हारिफ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी पजेसिव हूं, तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मुझे होना चाहिए, सिर्फ मुझे। क्या चाइल्डिश हरकत है, मैं एक जरूरी ईमेल कर रहा था। तुम इतने सेल्फिश इंसान होगे ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हुआ क्या है। गलती तुम्हारी थी, मैं क्यों कॉल करता। अच्छा,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी भी तुमसे नाराज होंगी तो तुम मुझे मनाओगे नहीं? हाँ नहीं। How mean? हम पर कुछ तो ख्याल करो, ऑफिस है ये। तो मेरा ऑफिस है ये और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा बैठो फिर बात करते हैं। नहीं पहले तुम अपनी नाराजगी खत्म करो। मैं नाराज नहीं हूँ पर मैं बस 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 मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। हाँ बस इतना कह दो कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा आई एम फाइन। पक्का? पक्का। हाँ तुम जानते हो मेरा ब्राइडल ड्रेस सिल के आ गया एंड इट लुक्स सो स्टनिंग। वाओ ग्रेट। तुम देखना नहीं चाहोगे? जरूर, बस एक जरूरी ईमेल कर लूं फिर चलते हैं। फिर काम। ओके मैम आप नाराज ना हो, चलिए। वेल डन इमान, क्लाइंट तुम्हारे काम से बेहद खुश है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत दिल से मैंने वो ड्रेस तैयार किया था, अब बस अल्लाह ताला पहनने वाली को नसीब करे, क्योंकि सबके नसीब में ये ऐसे ड्रेसेस नहीं होते। कम ऑन इमान, ऐसी बातें नहीं करते, तुम खुशी से अपनी कामयाबी को एंजॉय करना सीखो। जी मैम। ईमान मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि तुम एक सुपर टैलेंटेड लड़की हो। थैंक्स मैम, आप मेरे लिए हमेशा से बहुत मोटिवेशनल रही हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ईमान। और हमारी बेबी डॉल कैसी है? उसी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसकी। ओह अच्छा, चलो तुम उसका ख्याल रखो और अगर मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ओके? नहीं मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, अगर क्लाइंट की तरफ से डिज़ाइन में कोई चेंज आया तो मैं तुम्हें बता दूँगी। जी मैम बिल्कुल ठीक है। चलो ओके बाय ईमान। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हारिब। जी भाभी। क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस जा रहा हूँ भाभी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने आया था। क्या ईमान के बारे में सोच रहे थे? अभी इस वक्त मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? ये तो तुम्हें ही पता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इंसान का माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता हारिब। तुम लाख छुपाना चाहो मगर तुम्हारी आंखों और चेहरे से साफ जाहिर होता है कि तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए। बहरहाल तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज तो कर ही चुके हो, तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो। अच्छा होता ना अगर हम अपनी नई लाइफ अपने नए घर में स्टार्ट करते। डैड ने कितना खूबसूरत डिजाइन करवाया था, तुमने फाइनल फिनिशिंग के बाद देखा नहीं ना? चलो और देखने चलते। नहीं यार किसी और दिन चलेंगे। कब? और हम उधर शिफ्ट कब होंगे? फिलहाल नहीं। वो क्यों? देखो अंबर, पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे डैड के दिए हुए घर में नहीं रह सकता। दूसरी बात, हम सारा दिन ऑफिस में इकट्ठे होते हैं, मुश्किल से जाके रात को मुझे पेरेंट्स के पास बैठने का वक्त मिलता है, लिहाजा फिलहाल मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अरे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं? ऐसी कोई बात, एक्चुअली तुम बात को समझ नहीं पा रही हो।
जब लड़की की शादी हो जाए ना तो उसे बहुत कुछ अपने शौहर की मर्जी से करना पड़ता है। अगर तुम मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों का? मतलब साफ जाहिर है, तुम्हें मेरी खुददारी को समझना पड़ेगा अंबर। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी या ससुराल की अनायतों पे खुश हूं। मैं अपनी लाइफ के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ खुद करना चाहता हूं। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं अपने डैड की इकलौती औलाद हूं और वो ये सब कुछ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये करने से खुशी मिलती है। मैंने कब कहा कि वो ना करें? करें, जरूर करें, लेकिन मुझे फोर्स ना करें कि वो सब कुछ मैं कबूल करूं, क्योंकि मेरे अपने भी कुछ असूल हैं और तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर को ही आप अपना घर समझो। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को ईमान, संभालो अपने आप को। इनके पास तो बस एक ही काम रह गया, ईमान ईमान और बस ईमान। तंग आ गई हूं मैं इस ईमान से। अहमद, अहमद, क्यों भी जान के दुश्मन बन गए? सारे सारे रात सोचकर थकते नहीं है जो अभी भी ऐसे बैठे? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, रिलैक्स कर। झूठ मत बोले, बच्चे भी मुझसे पूछते रहते हैं कि बाबा को क्या हो गया, ना हमसे बात करते हैं ना ही हमें टाइम देते। इस तरह से करने से आपका घर तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, आपके कारोबार पर भी असर पड़ेगा इसका। कोई बात नहीं है, एक अजीब सा गिल्ट है दिल में। आखिर क्यों अहमद, आप अच्छा सोचा करें तो अच्छा ही होगा। बस मुझे एक बार ईमान की तरफ से तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है, खैरियत से है, तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। आप उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, क्या पता शादी करके कहीं अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी और आप उसके लिए इतना तड़प रहे हैं। वो तो आपको भूल भी गई होगी यकीनन। कैसे भूल सकती है, वो बाप हूं उसका। अच्छा, बाबा नहीं भूली होगी।
अहमद चले ना फ्रेश हो जाए, बच्चों को लेके बाहर चलते हैं। नहीं तो जी हमें, अच्छा ठीक है तुम लोग तैयार हो जाओ मैं आता हूँ। भाई आज तो आप सब के लिए मैंने स्पेशल बिरयानी बनाई है। अंबर तुम कब भाभी की तरह अपने हाथों से पका खाना खिलाओगी? I don't cook. और ये कोरमे बिरयानी वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो नौशीन को भी मना करती हूँ, घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, क्या जरूरत है तुम्हें खाना बनाने की। ठीक है कल से मैं जुनेद भाई से कहूंगा कि नौशीन भाभी के हाथ का पका खाना छोड़ दें, इतने मुलाजिम तो है घर में, पका लेंगे खुद ही। ये बताओ तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं गए? जाओ घूमो फिरो, उसके बाद आकर तुम अपनी फरमाइशी खाने बनवा लेना। मामा चले जाएंगे, ऐसे भी अंबर ने सारी दुनिया तो घूमी हुई है, इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि इसको पाकिस्तान की सैर करवाऊं। जी नहीं, मैंने डैड से बात की, उन्होंने हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में प्लान किया है और हम वहीं जाएंगे। अंबर मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। अरे मामा आप परेशान ना हो, ये खुद ही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, ऐसी है ये। चलो मैं बस निकल रही हूँ, बस पहुंचती हूँ। हाँ कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे से? जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो सबके सामने। तुम गलत बात करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। प्लीज आरिफ मेरा मूड खराब मत करो, आई नीड टू चेंज माई माइंड, तभी बाहर जा रही हूँ। और मेरा इंतजार मत करना, आई विल बी लेट। रुको ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? क्यों क्या हो गया मेरे कपड़ों को? बट प्लीज फॉर गॉड सेक, तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस ड्रेस में क्या खराबी है। लुक एट यू, तुम बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रही हो। अरे प्लीज, एक्चुअली तुम्हारी और दूसरों की मेंटालिटी में यही फर्क है, तुम इतना पढ़ लिख कर भी इतनी टिपिकल सोच के मालिक हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो मुझे ये कह के कॉम्प्लीमेंट करता कि मैं बहुत अट्रैक्टिव और हॉट लग रही हूँ, और तुम ये कह रहे हो कि मैं इनडिसेंट लग रही हूँ। अंबर इनफ इज इनफ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही तो मेरा हक है कि तुम्हें टोकूं, और तुम मेरी बात मानो। ओ प्लीज डोंट पिस मी ऑफ, मुझे फजूल की पाबंदियां बिल्कुल नहीं पसंद। कम ऑन ग्रो अप, क्या हो गया तुम्हें? असल में सोशलाइज ना करने का यही नुकसान, तुम्हें तो पता ही नहीं है हमारी क्लास में कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं। और प्लीज आइंदा कहीं जाते हुए मुझे टोक कर मेरा मूड मत खराब। तुम्हारे और अंबर के दरमियान आजकल क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं अंकल, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। देन व्हाई इज शी डिस्टर्ब? उसने मुझे बताया है कि उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही। व्हाट? उसने मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने उसे कभी पिल्स लेते हुए देखा है। कैसे हस्बैंड हो तुम जिसे अपनी बीवी का ये नहीं पता कि वो कब खुश है और कब डिप्रेशन में, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको खुश रखूं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी क्लास में ये स्लीपिंग पिल्स खाना भी ना एक फैशन बनता जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फैशन? तुम्हारे ख्याल में इंसान स्लीपिंग पिल्स बाय चॉइस खाता है? बहुत हद तक जी हाँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कन्वर्सेशन, फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि हमारी बेटी अंबर बड़े नाज़ुक में पड़ी है,
हमने उसे बड़े नाज और प्यार से माना। तुमसे शादी उसकी जिद थी, हमने पूरी कर दी, लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए कंसर्न नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शादी के बाद कोई भी ऐसी हरकत की हो जैसे अंबर को दुख पहुंचाओ या फिर स्लीपिंग पिल्स खाने की नौबत आ गई हो। तो फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। कौन सी ख्वाहिश? नए घर में शिफ्ट होने की। देखो, उसने कोई अनोखी डिमांड नहीं की है। अगर वो अलग रहना चाहती है तो ये उसका पैदाशी हक है। और फिर घर भी मेरा गिफ्ट किया हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? देखें सर, दरअसल प्रॉब्लम मेरी है और वो ये कि मैं ओल्ड फैशन हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को यूँ अकेले छोड़ के नहीं रह सकता। और जहाँ तक बात है प्राइवेसी की, हमारे घर में एक दूसरे की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए फिलहाल अंबर को मैं अलग नहीं रख सकता। आई एम सॉरी इन दिस रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़। हेलो भाभी। भाभी, डोंट कॉल मी भाभी, आई हेट इट। माय नेम इज अंबर एंड कॉल मी बाय माय नेम। आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, एक्सरसाइज भी काफी गुस्से में कर रहे हैं। लगता है आप सिर्फ मुझे ही नोटिस कर रहे थे। लोगों को अंदाजा हो ही जाता है जब आप ऐसे एक्सरसाइज करें तो। व्हाटएवर, मुझे कहीं जाना है, सी यू सम अदर डे। अंबर एक मिनट, नेक्स्ट वीक मेरा फैशन शो है, अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आई विल सी। आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। ओके बाय। कैसी लगी तुम्हें ये जगह? मैं वाकई यहाँ पहले कभी नहीं आई। मैंने पाकिस्तान को बहुत कम एक्सप्लोर किया है, लेकिन यू वर राइट हारिफ, दिस प्लेस इज सो ऑसम। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है अंबर, मगर हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम मेरे साथ आई। तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? बेटा, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा मॉम। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज लाइक हनीमून। हारिफ के प्यार और केयर ने मुझे और स्पेशल कर। ये तो बहुत अच्छी बात है।
वैसे तुम लोग गए कहाँ कहाँ थे? पहले तो हमने पाकिस्तान एक्सप्लोर किया। ओफ मॉम, पाकिस्तान इज सो ब्यूटीफुल। वेल आई डिडंट नो दिस। देन वी वेंट टू टर्की एंड दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप मॉम। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उदास हो गए थे अंबर और हारिफ के बगैर। काफी दिनों के बाद आए ना ये लोग, इसलिए। हनीमून पर भी काफी लेट गए थे ना, और फिर हारिफ भी कहाँ टाइम निकाल रहा था। जी बस माशाल्लाह काम को लेकर काफी सीरियस हो गया है। हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो हमारी सोच से उलट निकला। पहले तो बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसे, और अब पूरा दफ्तर घर उठा कर ले आता है। Well, Dad भी काफी इंप्रेस है हारिफ से, बट मैं नहीं। I don't like this. कभी कभार मुझे लगता है कि मैं हारिफ से जेलस हो रही हूँ, क्योंकि अब डैड उसको मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे। Come on, बेटा, ये सब कुछ भी तुम्हारी बदौलत है। ये तो है, लेकिन कभी कभार हारे काम की वजह से मुझे इग्नोर कर देता है, और उसका मूड भी बहुत ऑफ रहता है। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम दोनों की तरफ से खुशखबरी मिले। हारिफ के टेंशन खुद ब खुद तुम्हारी तरफ हो जाएगी। मिसेज अमान, आपने तो कुछ भी नहीं लिया, प्लीज कुछ लेना। सो आपको आज रात चलते पहले दिन ही आपका पहला पेशेंट मिल गया। डॉक्टर रोहिल, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊं, वो बेचारी तो मैं। आई नो हर, शी इज अलीना। एक्चुअली इसका शौहर शादी के चंद दिनों बाद इसे छोड़कर किसी और मुल्क चला गया, और फिर 7 साल तक उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर एक दिन इसे पता चला कि उसने वहां बाहर दूसरी शादी कर ली। बस तभी से अलीना डिप्रेशन का शिकार होके नीम पागल सी हो गई, और तब से यहाँ एडमिटेड है। आपको पता है यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अपने घर वाले उन्हें यहाँ खुद छोड़कर चले जाते, और फिर दोबारा मुड़के भी नहीं देखते। लेकिन ऐसी हालत में हम मरीज की काउंसलिंग कैसे करेंगे? That's the point. यही तो चैलेंज है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां पर लीना है, यानी वो डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं लेकिन उनकी हालत अभी अब नॉर्मल नहीं हुई होती। और यही हमारा काम कि हम उनको यहां से यूं वापिस भेजें कि वो इस एबनॉर्मैलिटी के स्टेज तक पहुंचे ही ना। आपके पास यहां हर तरह के केसेस आते हैं, मे बी ड्रग एडिक्ट्स या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले पेशेंट्स भी आ सकते हैं, और यही आपका चैलेंज है कि आप उनको किस तरह जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए कन्विंस करते हैं। ये भी एक आर्ट है, और आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, अगर शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी डॉक्टर ज़ारा को याद करें कि उन्होंने आपको कैसे कन्विंस किया था जिंदगी की तरफ वापस आने के लिए। बस इसी तरह आपने ये चेन आगे बढ़ानी है। अंबर, कहाँ जा रही हो बेटा? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। आंटी, आप जानती तो हैं, पूरा दिन इतना बिजी गुजरता है, किसी चीज का टाइम नहीं मिलता। अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है बेटा। ओके आंटी, आप, मैं और नौशीन भाभी कहीं घूमने चलेंगे, आपका ये गिला भी दूर हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मुझे निकलना होगा। हाँ, डॉक्टर के साथ? हाँ, स्किन ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है। विल सी यू देन गाइस।
आ गए तुम? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। कहाँ जाना है? क्या मतलब? मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी दोस्त मैरी की घर आज पार्टी है, भूल गए ना? अंबर, मुझे ऐसी गैदरिंग्स में जाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं, और मैं बहुत बोर होता हूँ, वैसे भी आज मैं थका हुआ हूँ। हारिफ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे इनकार पसंद है। गो एंड गेट रेडी। ये तुम बात किस तरह कर रही हो मुझसे? मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। डोंट स्पॉइल माय मूड। मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया अंबर कि मुझे इन कंडीशंस में मत फंसाया करो। मैं हमेशा तुम्हारी गैदरिंग्स में कंपनी देता हूँ ना चाहते हुए भी, और अगर आज मैं थका हुआ हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड। जब तुम्हें मेरी गैदरिंग फजूल लगती हैं तो मैं भी फजूल लगती हूँगी, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बात को गलत रंग मत दो। गलत? अब मैं गलत भी हूँ। हारिफ, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम बदल रहे हो। हालांकि तुमने कमिटमेंट की थी कि अब ऐसा नहीं होगा, राइट? मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ, मगर तुम भूल जाती हो। ओके फाइन, सारी गलती मेरी है, मैं ही गलत हूँ ना? तुम्हें नहीं जाना है ना, तो मत जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से कमिटमेंट की है। तुम्हें तो हारे भी चाहिए थे ना, अब सजा भुगतो। इतने अच्छे भले लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे, लेकिन तुम्हें तो बस हारे भी चाहिए था। मॉम 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 मॉम, हारे अच्छा है, बस पता नहीं उसे कभी कभार क्या हो जाता है, इतना कंजर्वेटिव बिहेव करता है, बस मुझे उसी से इरिटेशन है, दैट्स इट। देखो बच्चा, इन सब स्टैंडर्ड लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि इनको हर बात बार बार याद करानी पड़ती है, और तो ये तभी उस पर अमल करते हैं। मेरा ख्याल है कि हारिब के मामले में भी तुम्हें यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सूनर और लेटर वो ऐसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। आई होप सो डैड। वैसे हारिब को लेकर मैं भी कुछ कंसर्न हूँ, क्योंकि ऑफिस में भी वो अपना काम सही नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि उसके साथ कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ है। अब बोलो भी, मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या सिर्फ खाने आए हो? सॉरी, मैं काफी टाइम से अच्छा खाना मिला नहीं खाने को, तो खाना देख के भूख को कंट्रोल नहीं कर सका मैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। तुमसे एक जरूरी बात ये करनी थी कि देखो यानी मेरे लिए एजेंसी के दरवाजे बिल्कुल बंद है, दिलावर का मैं सामना नहीं करना चाहता। ऑफिस में मेरी एक बहुत जरूरी चीज पड़ी है और वो मुझे हर कीमत पे चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ऐसी क्या चीज है? ऐसी फाइल है जिसमें मॉडल्स के ऑडिशंस का डेटा है, उसके साथ एक सीडी पड़ी हुई है। देखो यानी वो मुझे हर हाल में चाहिए, प्लीज किसी भी तरीके से तुम ऑफिस जाके मुझे वो सीडी ला दो। ऐसा क्या है उस सीडी में? तो मैं कैसे बताऊं? देखो बहुत लंबी कहानी है, तुम इस हकीकत को बिल्कुल नहीं जानती हो, लेकिन एक मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे सब सच बताओ। हाँ ठीक है, मैं सच बताता हूँ।
घटिया इंसान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईमान मेरी दोस्त थी, जेलसी मुझे भी थी उससे, मगर मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी। तुमने कुछ पैसों के लिए उसकी जिंदगी खराब कर दी। देखो यानी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने ईमान के साथ जो भी किया मुझे उसकी सजा मिल रही है। जगह जगह ठोकरें खाने को मिल रही है, काम के लिए तरस रहा हूं मैं। और एक नशा है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत तकलीफ में हूं। देखो अभी भी वक्त है। देखो मैं जानता हूं जब तक मैं अपनी गलती का जाला नहीं कर लेता मुझे सजा मिलती रहेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी, एक बार, सिर्फ एक बार वो सीढ़ी मुझ तक पहुंचा दो, मैं उसे अपने हाथों से जाया कर दूंगा। मगर अब तक तो उस बिचारी की वीडियो इंटरनेट पर। वो वीडियो अब तक इंटरनेट पे नहीं गई। देखो वो सारा डेटा दिलावर ने मुझे दिया था छुपा के रखने के लिए, क्योंकि उसके फॉर्म हाउस पे छापा पड़ा था। बाबर और दिलावर अपने पास कोई भी सबूत नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो सीडी मैंने पास छुपा के रख ली अपने अपने ड्रॉम में। और तुम्हें पता क्या हुआ, मुल्क से बाहर फरार होते वक्त उनका आधा सामान यहीं पर रह गया था जिसमें वो सीडी भी शामिल थी। खुदा करे कि वो सीडी अब तक किसी के हाथ ना लग गई। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, सब खत्म हो चुका है। और क्या गारंटी है कि वो सीडी अब भी उस ऑफिस में होगी? मुझे यकीन है नहीं वो सीडी अभी तक ड्रॉम में होगी, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से छुपा के रखी थी। देखो अगर तो वो सीडी किसी के हाथ नहीं लगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बस प्लीज किसी तरीके से वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो। तो क्या गारंटी है कि वो सीडी तुम जाया करने के लिए मांग रहे हो या फिर? कसम से मैं तुम्हारे सामने वो सीडी जाया कर दूंगा, मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। मैंने मुल्क से फरार होते वक्त भी दिलावर और बाबर के मांगने पर भी वो सीडी उनके हवाले नहीं की थी, क्योंकि मैं वो सीडी फ्यूचर में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। हर उनके सामने बहाना बनाया था कि सीडी गुम हो चुकी है, इसीलिए तो दिलावर ने मुझे एजेंसी से फाइल करवा दिया। देखो मुझे यकीन है कि वो सीडी उनके हाथ नहीं लगी, अगर लगी होती तो अब तक ईमान की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी होती। नफरत आ रही है मुझे तुमसे सलमान, और उस दिलावर से भी। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं ईमान की जगह कभी नहीं लेती और तुम्हें और उस दिलावर को पुलिस के हवाले कर देती। तो मैं उस दिलावर को नहीं छोड़ूंगी। देखो यानी मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हें सारी हकीकत बताई है, प्लीज ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना, वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम तो खुश नसीब हो कि अभी तक उनका अगला शिकार नहीं बनी। शुक्र अदा करो इस बात का, शायद तुम्हें मांग की नस्बत एक काम सी लड़की हो, इसलिए उन्होंने अभी तक तुम्हें कंसिडर नहीं किया। भारत उनके बारे में बाद में सोचना, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा ये काम कर दो। मैं कोशिश करती हूँ सलमान, असल में उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद काफी अरसे तक कोई कोऑर्डिनेटर हायर नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम पहले एक नया बंदा आया जिशान, मुझे तो वो एक आंख नहीं पाता। वो एक नंबर का छिछोरा इंसान है, वो तुम्हारे ऑफिस नहीं बैठता है। बस दुआ करो कि वो सीढ़ी उसके हाथ ना लग गई हो। अल्लाह खैर करे, दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, प्लीज तुम जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं मौका लगते ही वो सीढ़ी ढूंढती हूँ और उसके बाद शायद मैं खुद भी वो जगह छोड़ दूँ। थैंक यू एनी, ये तुम्हारा मुझे बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज मेरी एक बात सुनो, एज सुन एज पॉसिबल वो जगह छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा हो प्लीज। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारा फोटोशूट तो शाम को ही खत्म हो गया था। हाँ वो बस मैं निकल ही रही थी, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अरे तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें, वैसे भी रात हो गई है, सब लोग जा चुके हैं, ऐसे में तुम अकेले किस तरह? बाहर गार्ड्स हैं ना,
मेरी गाड़ी बस आती ही होगी। थैंक यू, आप जाएं। ओ कम ऑन एनी, डोंट बी सो फॉर्मल। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको समझ नहीं आ रही मिस्टर जिशान, मेरे फ्रेंड ने मुझे पिक करने आना है एंड आई हैव टू गो विथ हिम। ओ तो ये बात है। ओके देन, एंजॉय योरसेल्फ मिस एनी। वही हुआ जिसका मुझे डर था, या तो वो सीढ़ी किसी और के हाथ लग गई या फिर शानी के। ओ गॉड सलमान, ये तुमने अच्छा नहीं किया ईमान के साथ। सरप्राइज तो था हारिब की तरफ से, अब एक सरप्राइज तुम्हारे लिए है मेरे पास। वो क्या? तुम्हारी फेवरेट कार, जिसको पाने का तुमने हमेशा ख्वाब देखा। थैंक यू सो मच डैड, यू नो यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट हस्बैंड। Thank you so much for all this. I'm sorry, Amber. मैं literally तुम्हारा बर्थडे भूल गया। ये सरप्राइज तो सर की तरफ से। And that's awesome. अरे आओ ना बेटा, केक काटो। आ जाओ आ जाओ, आए भाई एवरीबॉडी। ए हाँ, जब तुम इतने डंप हो गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, हाँ, और अगर डैड ने सबके सामने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले भी लिया तो तुम्हें सबको सच बताने की क्या जरूरत थी? अंबर, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? हाँ मुझसे गलती होगी, मुझे वाकई तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहा, मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाट? इट्स नॉट अ बिग डील रियली। शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे थी जो मेरे हस्बैंड को ही नहीं याद, और वो कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। क्या बात है? अंबर, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ बर्थडेज याद रखने की हद तक नहीं होता। प्लीज बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो, बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। बात बड़ी है आरिफ, मेरे लिए बड़ी है। इससे पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू।
अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम्हें जरूर याद होती। इस बात पे ना सिर्फ मैं बल्कि डैड भी तुमसे बहुत नाराज है। पूरा स्टाफ अंदर बैठ के गॉसिप कर रहा हूँ। कम ऑन अंबर, तुम क्यों लोगों की इतनी परवाह कर रही हो? क्यों ना करूं? तुमने सबके सामने ना सिर्फ मुझे बल्कि डैड को भी एंबैरस किया। अब कैसे फेस करोगे उन्हें? हाँ, क्या हो गया अंबर, ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है। हम ऑफिस काम करने के लिए आते हैं, ना कि पार्टीज करने। लेट मी डू माय वर्क, एक्सक्यूज मी। तुम मुझे इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते यार। सर प्रेजेंटेशन रेडी है, 11 बज गए। शैल आई कॉल द मीटिंग? नो, आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ अटेंडिंग एनी मीटिंग। बट सर आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रोजेक्ट। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई मैटर इंपॉर्टेंट नहीं। और जिस तरह तुमने उसे अपसेट और मुझे एम्बैरेस किया ना, वो भी सारे ऑफिस के सामने। राइट नाउ आई डोंट वांट टू सी योर फेस। हमारी थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे जिंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। जबरदस्त। और आप जितना केयर के साथ पेशेंट से डील करती हैं, आई एम श्योर वो जिंदगी की तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई आप। गुड जॉब। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बाकी फाइल हम बैठ के देख लेते हैं। yeah, sure. जी बानो आंटी। हाँ मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा हया, ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही ना आपको? ठीक है। ओ हाँ, आपकी मेडिसिन। ठीक है, मैं लेती भी आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात कर सकता हूँ? हाँ पूछिए। आपको मुश्किल नहीं होती बीइंग अ सिंगल मदर, जगलिंग टू जॉब्स, घर पे बेटी को संभालना या पेशेंट्स को? डॉक्टर रोहिल, मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला आपको किसी आजमाइश में डालते हैं तो साथ ही साथ हिम्मत भी दे देते हैं। वेरी ट्रू। इसे मेरे ख्याल में आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हैं, जो आपका और आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखे। यू नो व्हाट, यू रियली डिजर्व टू बी लव्ड एंड केयर्ड। मुझे ताज्जुब होता है उस इंसान पे जो आप जैसी लड़की को इस तरह छोड़ गया। सच अ लूजर। लिसन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने बस नहीं नहीं डोंट बी सॉरी, वो बस ऐसी। ईमान, आप एक बहुत बहादुर लड़की हैं और ऐसी बाहिम्मत ख्वातीन को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। वैसे आई नो इट्स अ बिट पर्सनल, लेकिन आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी शादी डॉक्टर, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और वैसे भी मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना और अपनी बेटी के फ्यूचर, और कोई चीज मेरे लिए मायने। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपको और आपकी बेटी को खुशी से कबूल करे, तो फिर जिंदगी का ये सफर बहुत आसान हो जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न डॉक्टर, लेकिन मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। एनीवेज आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अंबर, आर यू ओके? अंबर, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहे हैं, फीलिंग नौसिया। अच्छा चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ आराम से, आराम से। अंबर यहां बैठो, इधर बैठ जाओ। अंबर क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं मामा, ऐसे वॉमिट्स हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। अल्लाह करे कोई अच्छी न्यूज हो। इंशाल्लाह। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मामा आप अंबर को लेके जा रही हैं, मेरे आने की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा आप आराम करें, मैं इसको ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। ठीक है ख्याल से जाए। चलो खुदा बख्श, गाड़ी निकालो। चलो बेटा। अंबर की रिपोर्ट आ गई है। सब खैरियत तो है ना? आपको मुबारक हो मिसेस हमदानी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? थैंक यू। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इतनी बड़ी खुशी दिखाई। यू शुड बी हैप्पी। अच्छा चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप उन्हें दे दें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। चलें आए मेरे साथ। जी चलिए। मैंने कह दिया ना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अंबर? ये खुशी की खबर है जिसमें तुम इतना गुस्सा कर रही हो? अल्लाह की दी हुई नेमतों पे इतना नाशुक्री नहीं करते। टू हेल विद योर लेक्चर। मैं तुम्हें पहले कह दिया था कि मुझे फिलहाल 2-3 साल तक बेबी नहीं चाहिए, फिर क्यों? हाँ मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। एंड आई स्वेयर मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं है, और ना ही अपना लाइफस्टाइल खराब करने का शौक है बच्चे संभाल के। शेम ऑन यू अंबर, कितनी खुदगर्ज़ हो तुम। ओह कम ऑन, यू थिंक आई एम सेल्फिश? तो फिर अपने और अपने घर वालों के बारे में क्या ख्याल है? टिपिकल मिडिल क्लास लोगों जैसी सोच है तुम सब। बच्चे की खबर सुनते ही सब पागल हो गए, कभी बच्चा नहीं देखा क्या? फॉर गॉड से कंबर, ये सोचने पे मजबूर मत करो कि तुमसे शादी करके मैंने वाकई कोई गलती की है। ओह रियली? तुम उससे शादी करके पछता रहे हो? हाँ तो मैं कौन सा तुमसे शादी करके खुश हूँ? आई स्वेयर अगर मुझे पता होता कि तुम और तुम्हारी फैमिली इतनी टिपिकल और घटिया सोच की मालिक है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। तो फिर चली जाओ यहाँ से, मैं भी देखता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी इन आदतों के साथ तुम्हें कौन बर्दाश्त करता है। अच्छा तुम्हारी सोच है मिस्टर हारिफ, तुमसे बहुत बेहतर तो स्टीव था, मरता था मुझ पर। काश मैं उससे शादी कर लेती, कम से कम उसके साथ अपनी मर्जी से तो रहती। स्टीव कौन? My American boy. तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? अब मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। To hell with all of you. हाँ हाँ चले जाओ इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी।
हारे यहाँ आओ बेटे, क्या हुआ है, ये शोर कैसा हो रहा था? ये आप अपनी उस चहीती बहू से पूछें जिसको आप और बाबा जबरदस्ती मेरी जिंदगी में लाए हैं। हुआ क्या है, आखिर लड़ाई किस बात पर हो रही थी? सिंपल सी बात है मामा, ना उसको हम लोग पसंद आ रहे ना हमारा घर, वो हमें बहुत टिपिकल समझती है। उसको तो बच्चा भी नहीं चाहिए, she wants to abort our child. क्या? छोड़कर फौरन वापस आ जाएं। उससे अब और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहां एक एक मिनट गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया है डैड। आप और मामा जल्दी वापस आ जाएं, बस जल्दी वापस आ जाएं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया हारे, मुझ पर। I will not spare you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हारे, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया हारे, will not spare you. मामा हमें बैठे एक घंटे से ज्यादा हो गया है, आप अंबर को कॉल करें, कहीं वो भूल तो नहीं गई? अंबर कहिए जो बात करने आए हैं और फिर जाइए यहां से, मुझे और भी काम है। तुम अभी तक गुस्से में हो? गुस्सा? गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज है, आप लोगों से मुझे नफरत हो गई है। तमीज से बात करो अंबर, ये तुम्हारी माँ की जगह है। मगर माँ तो नहीं है ना। खैर छोड़े इन बातों को, जो कहानी सुनाने आए हैं सुनाइए और फिर जाइए यहाँ से। बेटा हारिब की तरफ से हम तुमसे माफी मांगने के लिए हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता जो छोटी छोटी सी बातों पे टूट जाए। आपके बेटे ने जो किया है वो जरा सी बात नहीं है, उसने हाथ उठाया है मुझ पर, अंबर जमान पर, उस अंबर जमान पर जिसके बाप के टुकड़ों पे आपका पूरा खानदान पलता है। अंबर शट अप, यू शट अप। और आप किस मुंह से माफी मांगने आई हैं? आप ही ने हारिब को उकसाया था ना, ये सारी आग आप ही की लगाई हुई है। आपने बच्चे बच्चे की रटा के हारिब का दिमाग खराब कर दिया। अपने पोता पोती देखने का मेरा अरमान था, क्या मैं इसकी हकदार नहीं? तो अपना ये अरमान आप नौशीन से पूरा करें, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी बच्चे की, तुम हारिब को माफ कर दो और घर आ जाओ। नो, इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज अंबर। बेटा मामा चले, हारिब ठीक कहता है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे ताल्लुक रखा जाए। गेट लॉस्ट। तुम लोगों को अब तुम्हारी औकात हम याद दिलाएंगे। आउट, आउट। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे, लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो लोग ऐसे ही निकलेंगे। देखें मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी उन लोगों ने। बेटा हारिब कहाँ है? उसका फोन बन जा रहा है, मुझे उससे बात करनी है। डैड, डैड जब मुझे उस घर में जाना ही नहीं है तो आपको हारिब से बात क्यों करनी है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मेरा मेरा दम घुटता है वहां। I hate everyone out there. आप लोग नहीं जानते वो मेरी कितनी इंसल्ट हुई है।
छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातों पे मुझे हर्ट किया, और वो हारिब वो इतना जाहिल होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। डैड, डैड उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मुझे वहां जाने का क्या कह सकते। हारिब को तो मैं कल देख लूंगा। क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है? ओ सर, मैं आप ही से बात करने आ रही थी। तो ये चोरों की तरह मेरे दरवाजे का लॉक क्यों तोड़ रही थी? नहीं नहीं, मुझे ना खराब हो गया है। बैठो। वो सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा? तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहती हो? जी बिल्कुल। तुमने आज तक ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूं? मतलब ये कि तुम एक एवरेज मॉडल हो। एवरेज तुमने काम किया, तुमने आज तक कोई ब्रांड तो किया नहीं, तो फिर मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे क्यों काम करे? इसलिए सर, क्योंकि हो सकता है मैं खुद को इम्प्रूव कर लूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर तुम इम्प्रूव करो तो मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे काम कर सकती है। थैंक यू सर। सर आप तो इस कंपनी के ऑनर हैं, आप मुझे बताएं ना कि मुझे फील्ड में आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वो कैसे? तुम ओवरटाइम कर सकती हो? जी सर, क्यों नहीं, मैं तो पहले भी लेट नाइट फोटोशूट करवाती हूँ। इस बार फोटोशूट नहीं, ऑडिशन चाहिए। और तुम्हारा ऑडिशन मैं खुद लूंगा। कैसा ऑडिशन सर? बस है एक खास वीडियो शूट, लेकिन उसकी शूट मेरे फार्म हाउस पे होगी। बताओ मंजूर है? अच्छा, मैं समझ गई। सर आपने मुझे पहले ऐसा चांस क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तुम्हें इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं समझता था। ना कभी तुम मेरे साथ पार्टीज में गई, ना कभी मेरे कमरे में अकेले आई। तुम्हें पता है कि लड़कियां मेरे कमरे में आने के लिए तरसती हैं। It means I'm so lucky. Sir, आप मुझे खुल के बताएं ना कि क्या बात है। अब ये छोटे मोटे फोटोशूट मुझसे नहीं होते, मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। Something more thrilling and exciting. मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे वाह, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे मतलब की निकली हो। अच्छा सुनो, ये जो हमारी वीडियोस है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खास लोगों के लिए होती है। और इसकी जो हमें पेमेंट होती है वो रुपए, पाउंड्स या डॉलर्स में नहीं होती, बिटकॉइंस में होती है। बिटकॉइंस सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। मगर सर, अगर मेरी वीडियो की लीक हो गई तो सवाल ही पैदा नहीं। तो बेफिक्र हो, ऐसी वीडियोस आम वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं होती, इसकी रसाई सिर्फ हमारे
खास क्लाइंट्स तक होती है, समझ गई ना? तो सर मुझे क्या करना होगा? गौर से सुनो। फिर कब लो तुम्हारा ऑडिशन? अभी कुछ दिन दे दें सर। कितने दिन? मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यही कोई दो हफ्ते? एक हफ्ता। अगले वीकेंड पर तुम मेरे फार्म हाउस पर आओगी। ठीक है सर। अब तुम जाओ और अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करना। थैंक यू सो मच सर। लोगो, इस मीटिंग की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, ये बात सिर्फ मुश्तक ही रहेगी। सर आपने बुलाया? तुम यकीनन जानती होगी कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। जी बिल्कुल जानता हूं। मेरी बेटी पर हाथ उठाने से पहले मिस्टर हारिब कम से कम ये तो सोच दिया होता कि तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली मेरी वजह से अय्याशियां कर रही है। अगर मैंने तुम्हें ये नौकरी ना दी होती ना, तो दो टके की जिंदगी गुजार रहे होते तुम लोग। अगर आपने मेरे बाप और भाई को नौकरी पर यहां रखा है ना, तो मेरे बाप और भाई ने दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को यहां तक पहुंचाया। अगर आपने हम पर एहसान किया ना, तो हमारा भी ये आप पर एहसान है। तुम बजाय अपनी गलती मानने के मुझे यहां खड़े होकर यह जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे बाप और भाई ने एहसान किया है मुझ पर। पहली बात तो यह है कि मैं गलत नहीं जो अपनी गलती मानूं, और दूसरी बात मैं ये एहसान नहीं जिता रहा, मैं तो सच बता रहा हूं। मुझे तुम जैसी छोटी सोच के इंसान को यहां जॉब देनी ही नहीं चाहिए थी, और ना ही अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। मैं तो खुद यहाँ जॉब करने के हक में नहीं था, और ना ही आपकी इल मैनर्ड बेटी के साथ शादी करने के हक में, क्योंकि मैं इसी दिन से डरता था। जिंदगी में पहली बार छोटे लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। हम छोटे लोगों की मेहनत के बायस ही आप इस मुकाम पर आए आज, और ऐसी बातें करके औकात तो आप अपनी दिखा रहे हैं। Behave yourself. You are fired. And now get lost from my office. Thank you. आपको आपकी ये नौकरी, दौलत और बेटी मुबारक हो। और एक बात और, ये घमंड ही ना आपके और आपकी बेटी के जवाल की वजह बनेगा। इंसान को इंसान समझें, वरना किसी इंसान की हमदर्दी के काबिल नहीं रहेंगे आप। I said get lost! भाभी आप बिजी तो नहीं है? नहीं, बैठो। क्या बात है हारिफ, सब ठीक तो है ना? अभी दिल को सुकून नहीं मिल रहा, समीर पर अजीब बोझ सा है। कैसा बोझ? वो ये कि भाभी मैं अपनी जात से किसी को खुश नहीं रख सका। अपने माँ बाप को
ना ही अंबर को। ईमान का तो तुमने नाम ही नहीं लिया जिसके साथ तुमने सबसे बड़ी ज्यादती की। तुमने कभी महसूस किया कि उसको छोड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में बल्कि हम सबकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी हारिब, तुमने सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि अपने बच्चे के साथ भी ज्यादती की है। मैं तो जब सोचती हूँ मेरा दिल हौलता है कि पता नहीं किस हाल में होगी अपने मासूम बच्चे के साथ। भाभी मैंने, हाँ बोलो। भाभी मैंने ईमान को देखा था एक बच्ची के साथ। तुमने देखा पर तुम्हारा दिल नहीं पसीजा हारिब, तुमने उसे रोका नहीं, तुमने उससे बात नहीं की। नहीं भाभी, मैं शायद उसका सामना नहीं कर पाया। अभी भी अल्लाह से माफी मांग लो हारिब, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। Excuse me sir, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? Excuse me sir, ये जमान साहब ने आप दोनों को देने के लिए कहा था। क्या है ये? सर ये आप दोनों के टर्मिनेशन लेटर। क्या बकवास है ये? मैं खुद जमान से बात करता हूँ। सर उन्होंने आप दोनों को मिलने के लिए मना किया है। सर माफ कीजिए, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आप हमें भी नौकरी से निकलवाएंगे। देखो तुम बाबा, I think we should leave. इन लोगों से बहस करने का क्या फायदा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस इदारे को, 5 साल से तुम काम कर रहे हो। समान ऐसा कैसे कर सकता है? बाबा जस्ट डोंट बैग, चले यहां से, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। चले बाबा, प्लीज बाबा आए ना। अभी तो ये शुरुआत है हारे, तुम एक दिन खुद मेरे और मेरी बेटी के पास आकर हमारे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाकर हमसे माफी मांगोगे, पर तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने मेरी बेटी को रुलाया है, उसे सताया है, इसकी सजा तुम समेत तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगी। माई डॉटर मस्ट बी हैप्पी नाउ। बहुत खुश होगी। क्या चीज है ये? क्या है बेटा, ये दिखाओ मुझे। अंबर की तरफ से खुला कर दूंगा। रुको, इस सुबह ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, अब तुम भी मेरे साथ जा रही हो। साहब जी वो हारिफ साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। लो आ गया हमसे माफी मांगने और गिड़गिड़ाने। डैड मैं देखती हूँ। आराम से बैठकर चाय पियो, उसे मिल लेते हैं। तुम जाओ उसे लॉन में बिठाओ, हम आते हैं। जी सर।
बोलो क्यों आए हो? अंबर से बात करनी है। मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। आए होगे माफिया मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए कि तुम सबको नौकरी पे वापस रखो। जितना मैं सोचकर आया था ना, आप लोग तो उससे ज्यादा कमजर्फ और खुशफहम निकले। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपकी बेटी या आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मगर मेरे और मेरे घर वालों के हौसले आप पस्त नहीं कर सकते। हम टूट जाएंगे लेकिन आप जैसे छोटे लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। अपनी बकवास बंद करो। दो टके के इंसान होकर मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर बातें कर रहे हो। शुक्र करें कि बहुत तमीज से बात कर रहा हूं। मेरे पास और बहुत कुछ है कहने को। Get lost! दबा हो जाओ यहां से। चार तुम मुझसे क्या खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम लोगों को समझ गया। आपसे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं मुझे। जो इंसान अपने उस साथी का ख्याल नहीं रख सकता जिसने उसके बिजनेस को संभाला, उसको अपना समझा, दिन रात एक करके उसको तरक्की दी, किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? आप जैसे लोग रिश्तों और प्यार को दौलत के तराजू में तोलने के आदी होते हैं। मैं भी देखता हूं कि आपकी इस दौलत के बलबूते पे कौन आपकी इस नाकाबिले बर्दाश्त बेटी को संभालता है। से क्या खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अमर बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। हारिब की इतनी जुर्रत कि वो हमारे घर में आके हमें बातें सुना के चला गया। बेटा, तुमने उसको खुला का नोटिस भेजा था, उससे तो रिएक्ट करना ही था। तुम रिलैक्स करो। आई डोंट नो कि मैंने उसे खुला का नोटिस देके ठीक किया भी कि नहीं। क्या मतलब? तुम तो खुद कह रही थी कि तुम हारिब के साथ रहना नहीं चाहती हो। मॉम, मैं हारिब के साथ रहना चाहती हूँ, उसके घर वालों के साथ नहीं।
आपको पता है जब हारिब मेरे साथ होता है ना तो वो बिल्कुल मेरा बन के रहता है। जैसे ही वो अपने घर वालों के साथ होता है वो बिल्कुल बदल जाता है मॉम, वो बिल्कुल बदल जाता है। और आप जानती हैं बेबी वाली बात पर भी उसको उसकी माँ ने उकसाया होगा। तो वो क्यों अपनी फैमिली की बात सुनता है? उसे नहीं पता कि नाजो में पली बेटी को किस तरह ट्रीट करना चाहिए? उसे भूल जाओ। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मॉम, इतना आसान नहीं है। आपने और डैड ने कहा था कि उसको खुला का नोटिस दो, वो खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगने आएगा। मैंने भी सोचा था कि बेबी अबॉर्ट कराने के बाद उसके पास वापस चली जाऊंगी, उसको ऑप्शन दूंगी कि वो मुझे अलग रखे या छोड़ दे। लेकिन ये सब क्या हो गया मॉम? बेटा इसमें हमारा क्या कसूर? हमने तो सोचा था कि हारिब तुम्हें खो देने से डरेगा और हमारी हर शर्त को मानेगा, लेकिन उसने और उसके घर वालों ने अपनी औकात दिखा दी। नहीं मॉम, हारिब बहुत खुददार लड़का। आई न्यू इट कि वो ऐसा ही करेगा। ओ माई गॉड अंबर, तुम चाहती क्या हो? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मॉम मैं हारिब के साथ ना अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से। बस इतनी सी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर तुम हारिब के साथ अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार पा रही तो दफा करो उसे। हेल विथ हिम। मॉम प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। आप इधर से जाइए। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज गो। अच्छा बेटा तुम स्ट्रेस मत लो, ठीक है मैं चली जाती हूँ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या करूं अब? अगर मैंने फोन ना उठाया तो उसको मजीद शक हो जाएगा। हेलो हेलो स्वीटी, कहाँ रह गई हो तुम? मैंने तुम्हें एड्रेस तो भेज दिया था। वो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या कुछ दिन बाद मिल सकते हैं? ओह अच्छा, क्या हुआ तबीयत को? वो मुझे फीवर हो रहा है। ओह कोई बात नहीं मेरी जान, तुम रेस्ट करो लेकिन जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हाँ ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँ तो फिर हम कुछ दिन में मिलते हैं। कुछ दिन नहीं, दो दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाओ। जी ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं थैंक यू, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ कुछ दिन। ठीक है, दो दिन के बाद यानी परसों रात 11 बजे तुम यहाँ मेरे पास आ रही हो। ओके ठीक है, ओके बाय। और हाँ बेबी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अंबर क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, बस इज एवरीथिंग ओके बेटा? तबीयत ठीक नहीं है। मॉम मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली। क्या बेटा तुम मुझे बताती तो? तुमने तो मुझे इन्फॉर्म करना तक गवारा नहीं किया। मॉम आप जानती तो हैं मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, एंड आई नेवर वांटेड दैट बेबी, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। और आप प्लीज अब मुझे मजीद परेशान ना करें। ओहो बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस डॉक्टर के पास गई थी? तुम मुझे बताती मैं तुम्हें लेके चली जाती। मॉम प्लीज लेट मी लिव माई लाइफ, मुझे अपने डिसीजन खुद लेने होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें कब किसी काम के लिए रोका है?
तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है हमने। हारिब भी तो तुम्हारी ही जिद था, अब देख लो जिद का नतीजा। For God's sake, Mom, आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फजूल है। मैं आइंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी। अंबर, अंबर बेटा, डॉक्टर साहब ये ड्रिप खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? यही कोई आधा पौना घंटा। ठीक है, फिर मैं तत्पक इनके पास ही हूँ। मेरे ख्याल से इनके घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्यों मिस ईमान? हाँ, मेरे घर पे मेरी आंटी हैं जो मेरी बेटी को देखती हैं। मुझे नहीं लगता वो इस वक्त यहाँ आ पाएंगी अकेले, और मेरी तबीयत का सुन के परेशान भी हो जाएंगी। तो फिर ठीक है, डॉक्टर रोहेल आप इनके साथ हैं तो घर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ आपको, आयरन और मल्टीविटामिंस की, वो प्रॉपर तरीके से ले लीजिएगा। और प्लीज अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें और प्रॉपर नींद भी लें। अच्छा ये बताएं कि काम के अलावा किसी और चीज का स्ट्रेस नहीं आपको? आइए नर्स, ड्रिप लगाइए। आइए मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ। मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। What nonsense! मेरे घर आकर इतना तमाशा करने के बाद अब सॉरी, हाँ? देखो अंबर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। तुम भी दिल बड़ा करो और खुला का नोटिस वापस लेकर घर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं भी अब एक ही शर्त पर पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या? मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे उन टिपिकल सोच वाले पेरेंट्स के साथ रहने का ना अब मुझे कोई शौक नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली। अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर आकर मुझसे और मेरे पेरेंट्स से माफी मांगोगे। फिर मैं देखूंगी कि क्या फैसला करना है। कहो, मंजूर है? तो फिर सुन लो मैडम अंबर, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से बिला वजह अलग हो सकता हूँ और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर सकता हूँ जिसने अपने बच्चे की खुद जान ले ली हो, और वो भी सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आजादी की खातिर। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा। कौन? जी मैं जिशान। मिस हैनी आपकी खैरियत पूछने आया हूं। मिस हैनी दरवाजा खोलें, मुझे बॉस ने भेजा आपकी खैरियत पूछने के लिए। अंदर आए।
एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपकी तबीयत तो वाकई ठीक नहीं लग रही, मैं बस चलता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप जैसे ही ठीक हो स्टूडियो एक चक्कर लगा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका फोटो शूट नहीं होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल। वैसे आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं नहीं, मेरी दो फ्रेंड और भी यहाँ रहती हैं, वो अभी मार्केट गई हुई हैं। ओह आई सी, ठीक है, आप अगर बेहतर फील करें तो कल स्टूडियो चक्कर लगा लीजिएगा, मैं आपको फोटोशूट रखवा दूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके देन, बाय ब्यूटीफुल। हरिप, मैं कहता हूँ एक मरतबा फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछता तो मैं रहा हूँ, सितंबर को तलाक देने के बाद मेरी जिंदगी सुकून में आ जाए। देखो हरिप, मेरा काम था तुम्हें समझाना, निकाह अल्लाह की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसे ख़त्म करके इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर। अल्लाह का नाम लेकर ही मैं ये फैसला कर रहा हूँ, इसलिए तमाम फिक्रों से आसान। अंबर बेटा उठ जाओ, अंबर बेटा उठ जाओ। बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, दो दिन से मुसलसल ऐसे ही सो रही हो। मॉम प्लीज प्लीज मॉम डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। बेटा वकील साहब आए हैं खुला के कागजात लेकर। मॉम हारिफ ने साइन कर दिए। हाँ बेटा। मॉम क्या हुआ बेटा, हारिफ ने भी ज्यादा अच्छा नहीं किया। बेटा रोना बंद करो और बस इन पेपर्स पे साइन कर दो, शुक्र अदा करो उन जाहिलों से तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया, वरना तुम अपने तरीके से कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे तुमने मेरी इंसल्ट की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो यानी तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मेरी मदद करो, सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो तुम्हें जिंदगी में जहां मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। चाय के कप रेडी करो, जल्दी करो। महबूब लाइटर लगाया, शॉट रेडी है। इतने ढीले हैं ना ये लोग तो। देख इसका फोन है। हेलो हेलो सलमान, मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी खैरियत से कॉल की तुमने? वो मुझे तुमसे काम था, तुम कहीं बिजी हो? अरे हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है एक जॉब लगी असिस्टेंट डायरेक्टर की। अच्छा तुम बताओ, तुमने खैरियत से कॉल की, सब ठीक तो है ना? वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारी कॉल आई मुझे। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बताओ। दिलावर के बारे में बताना है तुम्हें। क्या ईमान की सीढ़ी मिल गई तुम्हें?
नहीं सलमान, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली, लेकिन उस दिलावर की हकीकत मेरे सामने आ गई। तुमने ठीक कहा था सलमान, दिलावर बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे वो तो है, लेकिन बताओ हुआ क्या है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और दिलावर मुझे वहां से निकालने के चक्रों में भी था, लेकिन अब वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की ऑफर दे रहा है, और बदले में वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता है जिसका शिकार उसने ईमान को बनाया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड है मेरे पास। वो कैसे? मैंने उससे छुप के उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। ये तुमने बहुत अच्छा किया नी? सलमान, दिलावर हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, उसने पिछले वीकेंड मुझे अपने घर पे बुलाया था, मैंने बीमारी का बहाना बनाकर मना कर दिया, तो उसने शानी को मेरे घर भेज दिया। मैं बिल्कुल महफूज नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। और एक और काम, किसी भी तरह से कोशिश करो एजेंसी मत जाना, ठीक है? और हाँ, इस रिकॉर्डिंग के बारे में भी किसी को मत पता चले। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। ठीक है अपना ख्याल रखना, और बिल्कुल भी परेशान मत होना, और कोई भी मसला होता है मुझे कॉल कर लेना। ओके खुदा हाफिज। अब ये दिलावर अब कौन सी नई स्कीम लगा रहा है? आप भी शॉट रेडी है? अंबर, अंबर, मॉम, आई एम सो टायर्ड, सुबह बात करेंगे। हाँ बेटा, तुम सारा दिन तो सोई रहती हो और उठती हो तो बाहर चली जाती हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मॉम मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, और वैसे भी आप तो मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। सुबह बात करें, बाय मॉम। छोड़ के मर जाए, मुझे भी सफाई देने का मौका तो नहीं आ रहा। प्लीज दूर हो जा मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। अफसोस के तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, वरना मैं इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरे पास, अरे प्लीज, आपको मेरा वास्ता, आपको अपने बोले बारे में औलाद नहीं है। मेरे मुश्किल कुशा तेरे दर से ना गाली, कोई भी गया तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू। Thank you.
पीके? ड्रग्स। ड्रग्स? अंबर ने ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्या? जी हाँ, मुझे उसके रूम से मिला है। मुझे उसकी हालत देखकर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन अब तो मुझे यकीन आ गया है। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती? तो सिर्फ मेरा ही फर्ज है क्या? आप बाप नहीं है? हारिब की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप तो हारिब और उसके बाप को ऑफिसर निकाल कर रिलैक्स हो गए। मैं जानती हूँ मेरी बेटी हारिब से सख्त नफरत करती है, और क्यों ना करे, इसीलिए तो वो हाइपर होकर ड्रग्स ले रही है, क्योंकि वो हारिब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मेरी बेटी को उस दो टक्के के इंसान की वजह से कुछ हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उनके लिए तुम्हें ये जमीन तंग कर दूंगा। फिलहाल तुम उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ और उसका ख्याल रखो। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सारा दिन अपनी बच्ची के साथ हूँ, मगर उस हारिब की वजह से मेरी बच्ची शदीद डिप्रेशन का शिकार है। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हारिब का पूरा खानदान तबाह बर्बाद ना हो जाए। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही? सर बेल तो जा रही है, लेकिन एनी फोन नहीं पिक कर रही। कोई बात नहीं, शायद वो हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहती। सर मुझे लगता है उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसकी तबीयत मैं खुद दुरुस्त कर लूंगा, जाओ तो। ठीक है सर। सुनो, कल मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा था, एक लड़की के साथ, खूबसूरत थी वो, कुछ देखे देखे सी लग रही थी मुझे। सर आप शायद अंबर की बात कर रहे हैं। अंबर कौन है ये? सर अंबर इस शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून और जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जमान की बेटी है। एक मिनट, ये अंबर शादीशुदा है? शादीशुदा थी मगर अब नहीं है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे सर, कहीं आपका दिल तो नहीं आ गया उसके ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत खूबसूरत है वो, तो मैंने सोचा कि शायद कहीं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो। सर खूबसूरत तो वो है और मॉडर्न भी, लेकिन शायद मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। पसंद की शादी थी उसकी, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकी और दोनों मियाँ बीवी अलग हुआ है। बाय द वे उसका शौहर मेरा यूनिवर्सिटी फेलो भी था। तुम्हारे क्लास फेलो का क्या नाम था? हारिब नाम है उसका। हारिब क्या सोच रहे सर? कुछ नहीं, ठीक है तुम जाओ, एनी को मैं खुद ही देख लूंगा। ठीक है सर। आपकी पेशेंट लीना की मेंटल कंडीशन बहुत बेहतर हो रही है, और रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी दिनों से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी नहीं किया है। ग्रेट जी डॉक्टर, शी इज़ मच बेटर नाउ, और ये आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस आती जा रही है, लेकिन अभी भी हेलुसिनेशंस का शिकार है। इसे अभी भी ऐसा लगता है कि शरियार इसके लिए आएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, आई मीन हेलुसिनेशंस कम से कम सुसाइड अटेम्प्ट से तो बेहतर है। वो हकीकत की तरफ आ जाएगी आस्ता आस्ता, और वैसे अभी उसे अपनी ख्याल की दुनिया में रहने दें, क्योंकि यही ख्याल, यही थॉट्स उसे जीने की उमंग देती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में किसी ना किसी गलतफहमी का शिकार होते हैं, और ये गलतफहमियां ही होती हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। हम हकीकत को मानना नहीं चाहते,
क्योंकि हकीकत बहुत तल्ख होती है। गलतफहमी बहुत खूबसूरत है। शायद आपको अंदाजा नहीं, आप बहुत गहरी बातें करते हैं। बस यूं ही। खैर मैं चलती हूँ, मुझे वार्ड का राउंड भी लगाना है। रुकिए मिस ईमान, आपने किसी से मिलना था, आपको याद है ना? हाँ 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 बिल्कुल याद है। तो कब मिलवा रहे हैं आप मुझे? बहुत जल्द। अच्छा चलिए ठीक है, जब वो हॉस्पिटल आए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं यहाँ नहीं, फिर किसी खूबसूरत जगह पर, आई मीन किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलेंगे। रेस्टोरेंट? डॉक्टर रोहिल मैं आप दोनों के साथ रेस्टोरेंट कैसे जा सकती हूँ? और नहीं लगेगा? बिल्कुल और नहीं लगेगा, आप बेफिक्र हो जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैंने उससे जिक्र किया आपके बारे में, वो भी आपसे मिलना चाहती है। और वैसे हमारी मुलाकात में आपका होना बहुत जरूरी है, इसलिए आई गारंटी बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। चलिए ठीक है। वैसे उनका नाम क्या? नाम अभी नहीं बता सकता, इंट्रोडक्शन मैं आपको मिलने के बाद ही करवा दूंगा। जैसे आपको ठीक लगे, मैं आती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने समदानी और उसके बेटे का प्रोविडेंट फंड रुकवा के। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखना होता है क्या। लेकिन मुझे डर है कहीं वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। एक्शन तो तब लेंगे ना जब उनके पास कोई सबूत होगा। समदानी और जुनीद के कॉन्ट्रैक्ट और उनकी कॉपियां दोनों मेरे पास। हाँ बता, हारिब ने जॉइनिंग के वक्त अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी थी जो मैंने उसे दे दी, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। देख लें, हारिब बहुत ही होशियार लड़का है, कहीं कुछ कर ही ना दे। डोंट वरी डियर, हारिब कुछ नहीं कर सकता। अब वैसे भी मैं उन्हें ऐसे जाल में फंसाने वाला हूँ कि वो मेरे खिलाफ एक्शन तो किया, खुद अपना दिफा करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब ये कि जिस तरह हारिब ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है, उसे मेंटल टॉर्चर दिया है और ड्रग भी लगाया है, तुम क्या समझती हो मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रुकवाकर प्रोविडेंट फंड रुकवाकर मुतमईन हो जाऊंगा? नहीं, मैं उनको इस कदर जलील करूंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। वो कैसे? बस तुम देख ली जाओ, मैं उन्हें आए दिन एक नया शौक दूंगा। मैं सबदानी और हारिब को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। ये तमाशा तुम देख ली जाओ, बस ये तमाशा देख ली जाओ तुम। कल रात से फोन कर रही हूँ, तुम कहाँ गायब हो? कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें। अरे यार यानी मैं रात को लेट आया था, बहुत थका हुआ था इसलिए सो गया। तो वैसे भी मेरे पास बैलेंस नहीं था तुम्हें कॉल बैक करने के लिए। तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा ना बाबा, सॉरी बोल रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ बहुत थका हुआ था इसलिए पता ही नहीं चला और आँख लग गई मेरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पुलिस के पास जाना चाहती हूँ रिकॉर्डिंग लेकर।
लेकिन अकेले नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पुलिस के पास? अच्छा तुम एक काम करो कि वो रिकॉर्डिंग पहले मुझे भेजो, मैं देखूँ तो सही कि उसमें है क्या। फिर वैसे भी पुलिस के पास इस तरह अचानक से जाना बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। सलमान मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर दिलावर ने किसी को मेरे घर भेज दिया या वो खुद आ गया तो क्या होगा? देखो यानी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम रहती कहाँ पे हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? यानी क्या हो गया? किसी इमरजेंसी की सूरत में मुझे कम से कम तुम्हारा एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। मैं डिफेंस फेस 5 के फ्लैट्स में रहती हूँ। तुम्हें काम करना, घर के दरवाजे लॉक रखना ठीक है, और वो मुझे रिकॉर्डिंग भेजो जल्दी से। ओके मैं तुम्हें अभी रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, बाय। ओके भाई अपना ख्याल रखना। सर अगर मेरी वीडियो की लीक हो गई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हेलो यानी कहाँ हो तुम? मैं घर पे नहीं हूँ। अरे कहाँ हो मेरी जान? मैं तुम्हारी खैरियत पूछने तुम्हारे घर आया हूँ। मैं अपनी आंटी के घर हूँ। लगता है तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर हो गई है, तो फिर तुम मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आई? नहीं तबीयत मेरी बेहतर नहीं है, वो मेरा ख्याल रखती है ना, इसलिए यहाँ आ गई मैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं वहाँ पे आ जाता हूँ तुम्हारी खैरियत पूछने। एक काम करो मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो। नेट नहीं चल रहा मेरा। झूठ मत बोलो, अभी कुछ देर पहले तो तुम ऑनलाइन थी, मुझे सब खबर है। मैं सच कह रही हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा कब आओगी वापस? कुछ दिन मैं यहीं रुकूंगी, तबीयत ठीक होगी तो आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी तबीयत तो मैं ठीक करता हूँ। Thank you.
रिन्यू करवाने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी। मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। मैंने तुम्हारी मर्जी जान के ये सब कुछ तुम्हें ऑफर किया था। ये सब कुछ क्या है? झूठ, बकवास, जबरदस्ती तो करते हो तुम सबके साथ, जैसे तुमने इमान के साथ किया। इमान जैसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और अब तुम अपना शिकार मुझे बनाना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे फिलहाल तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा ना तो तुम मुझे नहीं छोड़ेगी, है ना? क्या चाहते हो तुम? लाना तो तुम जैसे लोगों पर जिनकी वजह से फिर बदनाम है। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्ला चिल्ला के सबको जमा कर लूंगी। बकवास बंद करो, बंद करो बकवास। अगर शोर किया ना तो तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम याद रखोगे। ठीक है, नहीं मचाती शोर, हाथ छोड़ मेरा। लो, छोड़ दिया। डरपोक लड़की। अरे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। जब किसी को पता नहीं चलेगा तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मुझे लोगों का नहीं खुदा का डर है। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई काम। चले जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा तो नहीं मैं यहाँ से। तुम्हारी तस्वीरें मैं क्लाइंट को भेज चुका हूँ, तुम्हें पास भी कर चुके हैं। इनको और की सूरत में मेरा कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा? तुम नहीं समझती? देखो प्लीज, सिर्फ ये एक वीडियो बनवा दो, हाँ, सिर्फ एक, मेरी बात मान जाओ, हाँ, उसके बाद तुम आजाद हो। कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें, हाँ, बोलो, मंजूर है? गुस्से में जज्बाती हो रही हो तुम। देखो, जब एक बार अकाउंट में पैसे आएंगे ना लाखों रुपए, तो ये सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हा? अच्छा ठीक है, मुझसे वादा करो कि मेरी वीडियो किसी के सामने नहीं आएगी। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो? हूँ मैं कमीना, लेकिन जबान का बड़ा पक्का हूँ। तुम्हारी वीडियो की राजदारी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठ के मेरा इंतजार करो। अरे मैं यहीं हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। नहीं, मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम वहां बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जल्दी आना। सुनो, खूबसूरत से कपड़े पहन के आना।
जिसमें तुम बहुत खूबसूरत लगा, ताकि तुम्हारा ऑडिशन पास हो सके। जल्दी, अरे नहीं रिटर्न नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, जल्दी करके बताओ मुझे। ओके वालेकुम सलाम, आओ नाश्ता करो। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती नाश्ता। कोई बात नहीं बेटा, हया तुम्हें वैसे भी रात भर जगाती है, सुबह सुबह जगाना मुनासिब नहीं समझा, सोचा थोड़ा तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। हया सो रही है? हाँ हया सो रही है। क्या बात है ईमान, थोड़ा परेशान लग रही हो? जी बस बानो आंटी, रात बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। जब कोई बुरा ख्वाब देखते हैं तो जागने के बाद आदिल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। जी मैंने जाग के पढ़ ली थी। बहुत अच्छा किया, रास्ते में जाते हुए किसी को सदका भी दे देना। जी जरूर। चलो अब नाश्ता करो, ख्वाब ही था, क्यों इतना परेशान हो रही हो? लेकिन बानो आंटी ख्वाब वाकई बहुत अजीब था। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी एनी, मैंने उसे ख्वाब में देखा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अपनी दोस्त को ख्वाब में देखा, उसे रابطہ करने की कोशिश करो। नहीं बहुत अरसा हो गया हमारा कोई रابطہ नहीं है। फिर तो वो तुम्हें ही याद कर रही होगी ईमान, जब भी तुम्हें ख्वाब में नजर आई उसे कांटेक्ट करो बेटा। मैं भी यही सोच रही हूँ। आपको पता है ख्वाब में वो किसी ऊंचे ऊंचे से पहाड़ पे खड़ी थी जिसके इर्द गिर्द बहुत खौफनाक समंदर था, मैं उस समंदर के किनारे पे खड़ी हुई थी। वो मुझे बार बार मदद के लिए पुकार रही थी, आवाजें दे रही थी, फिर वो अचानक नजरों से उछल हो गई। ओहो अल्लाह खैर करे। चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, अपनी दोस्त के नाम का सदका दो और बेटा उससे रابطہ करने की फौरन कोशिश करो, हो सकता है वो किसी बड़ी मुश्किल में हो। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मैं कैसे रابطہ करूँ? इतना मत सोचो, जितना उस ख्वाब के बारे में सोचोगी उसकी ताबीर का कभी इम्कान होगा। नाश्ता करो अब, परेशान मत हो, देर हो रही है तुम्हें। चलो बेटा शाबाश। और हाँ बेटा कोशिश करो, अगर ख्वाब बुरा हो तो उसे किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ख्वाब अच्छा हो तो उसे उसके सामने ज़रूर बयान करो जो तुम्हारे साथ मुखलिस हो और तुमसे हसद नहीं करता। लगता है आज आ गई, मैं देख के आती हूँ। तुम बैठो मैं देख कर। अरे आप बैठे मैं देख लेती हूँ ना। तुम बैठो नाश्ता करो।
अस्सलाम वालेकुम मिस ईमान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर रोहिल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप हॉस्पिटल के लिए घर से निकली तो नहीं? नहीं नहीं, क्यों, कोई इमरजेंसी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, बल्कि आप आराम से अच्छी से तैयार होके आए। तैयार मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि आज शाम मैं और आप उससे मिलने जा रहे हैं, आप समझ रही हैं ना किससे? हाँ, तो इसलिए आप अच्छी सी तैयार होके आइएगा। ओह अच्छा, लेकिन इसमें मुझे तैयार होने की क्या जरूरत है? है ना, आपको भी स्पेशल तैयार होने की जरूरत है। भाई देखें, आप मेरी कुलीग हैं और आप अच्छी से तैयार होंगी तो मेरी ऑनर में इजाफा होगा। चलें ठीक है, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। आखिर आज पता तो चले कि ये मैडम हैं कौन जिनके लिए इतनी तैयारी हो रही है। ये आपको जल्द पता चल जाएगा। अच्छा ऐसे है कि मैं आज हॉस्पिटल से जल्दी निकल जाऊंगा, तो फिर आप भी फ्री होके डायरेक्ट रेस्टोरेंट आ जाइएगा। हाँ, मैं आपको जगह डिसाइड करके रेस्टोरेंट का नाम मैसेज कर दूँगा। चलें ये भी ठीक है, लेकिन हम दोनों को यहाँ साथ बैठा देख, आई मीन उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट उसका आपसे गैबाना तारुफ है। चलें ठीक है, लेकिन मैं हॉस्पिटल से ज़रा जल्दी निकल जाऊँगी वो हया की वजह से। ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है। ओके, लाफिस। क्या हुआ? सब खैरियत तो है, आप परेशान लग रहे, रात को भी आप देर से घर आए थे, कहाँ थे? हाँ, पहले तो मैं जुनेद और हारिब ऑफिस की जगह विजिट करने गए थे, वहां से फारिग होके फिर वकील से मिले। क्या कहा वकील ने? वकील साहब ने कहा है कि हमारे पास रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए, और हमारे पास रिटर्न में प्रूफ नहीं है, ना ही कोई एग्रीमेंट की कॉपी है। क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है? कहाँ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट और वो जुनैद का कॉन्ट्रैक्ट? उसके पास भी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो था जमान के साथ, लेकिन जमान ने उसकी कॉपी हमें नहीं दी और ना हमने कभी मांगी उससे। ये क्या बेवकूफी कर दी आपने? हाँ, क्योंकि जमान की दोस्ती पे मुझे पूरा एतबार था और मैं दोस्ती में हिसाब किताब का कायल नहीं हूँ। और आपकी इसी बेवकूफी को भांप कर जमान ने आपको किस तरह से इस्तेमाल किया है? इसी बात का दुख मुझे अंदर से दीमक की तरह खत्म कर रहा है। वाकई हारिब ठीक कहता था, उसने जमान को पहचान लिया था, हम ही समझ नहीं सके बस उसको। मेरी इस बेवकूफी पर हारिब भी मुझसे नाराज है। अच्छा ये बताएं, इस मसले का हल क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे ऑफिस का जो एचआर मैनेजर था ना, बहुत इज्जत करता था मेरी, मैंने भी कई बार उसकी मदद की, उसके घर के मसले हल किए, और जब आज मुझे उसकी मदद की जरूरत है, जानती हो मेरा फोन तक अटेंड नहीं करता वो। वो आपका फोन अब क्यों उठाएगा? आप उसके बॉस थोड़ी हैं, जमान है उसका बॉस, बल्कि जमान ने तो अपने ऑफिस के हर स्टाफ मेंबर को कह दिया होगा कि वो आपसे कोई रابطہ ना रखे। मुझे यकीन नहीं आता, इतने सालों का साथ और पल भर में सब कुछ खत्म, बिल्कुल यकीन नहीं आता मुझे। अब माजी को याद करके दुखी होने से क्या फायदा, अब आप मुस्तकबिल के लिए कुछ हाथ पैर मारें, कुछ करें। नजमें, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने हारिब और जुनैद से कह दिया है, ये लड़ाई वो खुद लड़े, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा चलें छोड़ें, आप परेशान ना हो, चलिए चलकर नाश्ता करें। मुझे भूख नहीं है। सुने तो सही,